नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेल्थ फिक्स हिंदी चैनल पे। दोस्तों, सर्दी का माहौल स्टार्ट हो गया है और आप सभी को मूंगफली की याद आ रही होगी। अगर आप मूंगफली नहीं खाते तो ये वीडियो देखने के बाद आप मूंगफली खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फ़ायदे मूंगफली के जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम मूंगफली की बात करें तो 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में लगभग 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। अगर हम रफली बात करें तो 100 ग्राम मूंगफली में 25 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको 25% तक प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर हम बाकियों की बात करें तो इसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, फैट्स भी मिलती हैं और फाइबर भी मिलती है। अगर आपको फाइबर मिल रही है तो आपके ये, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है यानी कि कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो ये आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। मूंगफली से दिमाग भी तेज़ होता है। मूंगफली में पाए जाने वाले विटामिन B3 दिमाग को तेज़ करता है और याददाश्त अच्छी करता है। इसके साथ में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड तत्व माइंड में ब्लड सप्लाई को 30% तक बढ़ा देता है, जिससे दिमाग स्वस्थ और एक्टिव होता है। आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऐसे मिनरल्स भी आपको मूंगफली में मिल जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मूंगफली में नियासिन भी मिलता है, जो कि आपके मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को तेज़ करता है, यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। इससे आपको अल्जाइमर डिसीज़ नहीं होती। अगर अल्जाइमर डिसीज़ है तो उसे ठीक करने में, रिकवर करने में अच्छा काम करता है। मूंगफली में विटामिन ई भी पाया जाता है। अगर विटामिन ई पाया जाता है, जैसा कि आपको पहले भी पता है, विटामिन ई आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों में आपके चमक लाता है, स्किन पे आपकी चमक लाता है, ड्राइनेस दूर करता है और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बनाता है और आपकी उम्र को भी कम करता है। मूंगफली में एक खास विटामिन एच होता है, जिसे बायोटिन भी कहते हैं। बायोटिन बाल, नाखून, स्किन और स्वस्थ और सुंदर बनाता है। तो अगर आप बायोटिन नहीं खा रहे, अगर आपकी डाइट में बायोटिन कम है, तो आप जब मूंगफली खाएंगे तो आपके बाल मोटे हो जाएंगे और आपके नाखून और स्किन भी अच्छी हो जाएगी। मूंगफली में फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इससे ये पता चलता है कि आप, अगर आपको भूख कम लगती है या फिर भूख नहीं लगती, तो इससे आपकी भूख भी बढ़ेगी और आपका वेट भी कंट्रोल होगा, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी दूर होगी। मूंगफली में बहुत सारे अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो अगर आप बच्चे हैं तो, या फिर बच्चे, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बच्चे के विकास के लिए भी आपको मूंगफली कंज्यूम करनी चाहिए, जो कि बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। प्रोटीन की उचित मात्रा पाई जाती है, जो कि शरीर में वृद्धि के लिए बढ़िया होते हैं। तो अगर आप छोटे बच्चों को भी मूंगफली देते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके जो पेट में बच्चा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मूंगफली, आप अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी मूंगफली का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं मूंगफली के। अगर और फ़ायदों की बात करें तो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है आपको, तो कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं और आपका हार्ट अच्छे से काम करता है और आप हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों, ये सभी फ़ायदे थे मूंगफली के। तो कुछ सावधानियां भी हैं मूंगफली के, जैसे कि आप ज़्यादा मूंगफली कंज्यूम ना करें, डेली डाइट के अकॉर्डिंग ही मूंगफली को कंज्यूम करें। ज़्यादा मूंगफली कंज्यूम करने से आपको उल्टी, दर्द, पेट दर्द या फिर अस्थमा, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। और कुछ लोगों को मूंगफली से या फिर पीनट से एलर्जी भी है, तो एलर्जिक लोग मूंगफली को कंज्यूम ना करें। दोस्तों, ये सब था अबाउट मूंगफली के बारे में या फिर पीनट के बारे में। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।